नफीसा शाह ने जरदारी की रिहाई को हक और सच की फतह करार दे दिया। उनका कहना था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की रिहाई का फैसला अदालत ने मेरिट पर दिया। नैब का रुख हुकूमती वज़रा की जानिब क्यों नहीं जा रहा? सेलेक्टेड हुकूमत ने मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, इसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। आज का दिन मुल्क के लिए अच्छा दिन है और जमहूरियत के लिए भी अच्छा दिन है, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए भी बेहतर दिन है। और इस मौके पर मैं ये भी डिमांड करूंगी कि कई और हमारे पार्टी के कारकुनान और पार्टी के लीडरान जो हैं वो नैब की जद में हैं, इस काले कानून के जद में हैं, और हम तवक्को करेंगे जिस तरीके से अदालत ने हमें एक इंसाफ दिया उसी तरीके से हमारे और लीडरान जो इस वक्त नैब एक काले कानून के अताब में हैं उनको भी इसी तरीके से रिलीफ मिलेगी। वो ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड्स मिला है और मेरिट पर मिला है कि एक सेलेक्टेड हुकूमत जिसने कानून को इंसाफ को यरगमाल बनाया है, पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया है, जुडिशरी को यरगमाल बनाने की कोशिश थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यरगमाल बनाने की कोशिश थी।